नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश साय का सेवा संकल्प में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीएम जनसुनवाई आयोजित कर प्रदेश की जनता की शिकायतों को लगातार सुन रहे और मौके पर ही ज्यादातर समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं। अपने लाडले मुख्यमंत्री से बात करने, अपनी समस्या बताने के लिए छत्तीसगढ़ से अब दूर दूर से लोग जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंच रहे, जिनकी शिकायतों का मौके पर ही निराकरण भी हो रहा है। संवेदनशील और जनहितैषी साय सरकार के इस कदम का जनता दिल से स्वागत कर रही है। जनता से संवाद कायम कर समस्याओं पर काम करना सफल लोकतंत्र की यही निशानी है। चाहे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र, लोगों को छोटी से छोटी शिकायतों के लिए पहले दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब ऐसा नहीं होता। विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जनता की शिकायतों पर तेजी से सरकार काम करती है। जन शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द होने से छत्तीसगढ़ की जनता भी काफी ज्यादा खुश है। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके सरकार ने जनता की तकलीफों को महसूस किया और उसे दूर करने की हर संभव कोशिश की है। अभी तक हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनदर्शन में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है और लोगों को शिकायतों पर जिस रफ्तार से काम हुआ है, वह पूरे देश के लिए मिसाल है। अपने क्षेत्र की समस्या को इस जनदर्शन के माध्यम से माननीय सीएम साहब को सौंपने आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आशा विश्वास करते आ रहा हूँ कि मेरा काम को पूरा करेंगे और मेरा समस्या को सुलझाने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने जो यह जनदर्शन चालू किया है, इसके माध्यम से हमारे क्षेत्र की समस्या का निराकरण होगा। मुख्यमंत्री जी हमारा सुनेगा और समाधान भी करेगा। जनदर्शन के दिन यहाँ पर आप लोग आएंगे, मुलाकात करेंगे, आप लोगों की जो समस्या होगी वो एक एक समस्या यहाँ पर रजिस्टर होगा और पूरी तरह से सरकार में सुशासन और पारदर्शिता लाने का प्रयास होगा। शासन के सकारात्मक रवैये का प्रशासन पर भी असर पड़ा है। प्रदेश की जनता का भरोसा भी शासन की रीति नीति पर पड़ा है। जनदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने के बाद समस्याओं का समाधान होने पर लोग खुशी खुशी लौटे हैं। जटिल मामलों में भी जनता को विश्वास है कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण किया जाएगा। जनदर्शन कार्यक्रम में आवेदनों का अंबार देखकर ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनदर्शन लोगों की अपेक्षा की कसौटी पर खरा उतर रहा है। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों से सीधा संवाद होता है, बिना किसी अफसर या विभागीय अधिकारी की मध्यस्थता के। आम जनता अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री से सीधा संवाद कायम करती है। कई बार तो विभागों के अधिकारियों को भी उन समस्याओं का पता नहीं होता जो बातें लोग मुख्यमंत्री को बताते हैं। जनदर्शन के दौरान कई बार ऐसे मौके भी आए हैं जब मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से जरूरतमंद को मौके पर ही मदद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। जनता से संवाद कायम कर समस्याओं पर काम करना सफल लोकतंत्र की निशानी है। चाहे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र, लोगों को छोटी सी छोटी शिकायतों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनता की शिकायतों पर तेजी से काम हुआ है। जन शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द होने से छत्तीसगढ़ की जनता में भी खुशी की लहर है। दिव्या की आंखों में खुशी है। इस खुशी के पीछे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की जनहितकारी सोच है। सर्पदंश के बाद दिव्या को स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। सीएम जनदर्शन कार्यक्रम में जब दिव्या की परेशानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पता चली, तो उन्होंने मौके पर ही राहत देने की घोषणा की।
परिजनों ने जब मुख्यमंत्री साय को बताया कि वे दिव्या का इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिटिया के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री से मिली त्वरित मदद के बाद अब दिव्या का बेहतर इलाज हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री जी। मैं मोनती के इलाज के लिए आ रहा हूँ, 1.5 लाख रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। नन्ही बच्ची नूतन की एक आंख खराब है। अपनी बेटी के भविष्य को लेकर नूतन के माता पिता भी परेशान चल रहे थे। गुरुवार को आयोजित जनदर्शन में नूतन के पिता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बताया कि उनकी बिटिया की एक आंख खराब है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तत्काल इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए और 1 सप्ताह के भीतर ही नूतन की आंख का सफल इलाज हो पाया। इलाज होने के बाद नूतन के पिता अपनी बिटिया को लेकर पहुंचे। प्यारी बिटिया के चेहरे पर खुशी और पिता की आंखों में संतोष के भाव थे। और एक बच्ची है, उसकी एक आंख खराब है, तो उसको भी आंख लगवाएंगे। और अब जितने भी आवेदन आए हैं सबको टोकन दिया गया है, सब पर मतलब सरकार की तरफ से कार्रवाई होगी और उसके लिए एक पोर्टल भी जारी करेंगे जिसके माध्यम से वो उसका अपडेट जान सकेंगे। जनदर्शन में हम लोग आए थे अपने बच्ची का आंख दिखाने के लिए और 1 हफ्ते से अभी पूरा जो आंख का लगाया थे नकली वो पूरा लग गया। इलाज जो है 1 हफ्ते के अंदर हो गया। श्री विष्णुदेव साय जी सरकार मुख्यमंत्री को हम लोग हार्दिक से धन्यवाद। इसी तरह की सार्थक मदद जनदर्शन की सार्थकता को सिद्ध करती है। सीएम ने ट्वीट करके भी नूतन को मिली मदद की बात साझा की, साथ ही नूतन को खूब दुलारा और उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर व्यक्ति तक जन सुविधाएं पहुंचाना है। मुख्यमंत्री जनदर्शन भी इसी लोक कल्याणकारी सोच का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री जनदर्शन की सफलता के किस्से लाभार्थियों की जुबान पर हैं। ज्यादातर मौके पर तो सीएम विष्णुदेव साय ने अफसरों को निर्देश देकर राहत भी पहुंचाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता की समस्याओं की सुनवाई और अपेक्षाओं को जानने के मकसद से जनदर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लोगों की आंखों में आस होती है अपनी समस्याओं के समाधान की। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी यही कोशिश होती है कि उनके सामने आने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो, लोगों को फौरन मदद मिल पाए। बनने के पश्चात आज पहला जनदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था और अब हर सप्ताह गुरुवार के दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जनदर्शन का कार्यक्रम चलेगा, लेकिन आज 1 बजे के बजाय 4:45 बजे तक ये जनदर्शन चला है और आज करीब 1500 से ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं। इसमें राजस्व के मामले हैं, नगरीय निकाय के हैं, स्वास्थ्य विभाग से है, स्वेच्छानुदान का बहुत आवेदन आया हुआ है और निर्माण काम के भी आवेदन आए हुए हैं। और आज के इस जनदर्शन में कई काम तत्काल में निपटाए हैं। जनदर्शन के लिए पहुंचने वाले हर व्यक्ति का अपना अपनत्व भरा स्वागत, सब कुछ दिल छू देने वाला, हर लाभार्थी के दिल में संतुष्टि का भाव और होठों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए ढेर सारी दुआएं। वहीं जनदर्शन में तलवारबाजी खिलाड़ी की मां रीवा बेनी ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। रीवा बेनी ने बताया कि बिटिया का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ खेलों के लिए हुआ है, न्यूजीलैंड जाने के लिए 4 लाख की मदद चाहिए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खेल विभाग के अधिकारियों को न्यूजीलैंड जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं जनदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन राशि और स्कूटी खरीदने के लिए चेक वितरित किए। सीएम विष्णुदेव साय ने 13 बच्चों को 26 लाख की राशि वितरित की। सम्मानित होने पर मेधावी बच्चों ने सीएम विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया है। 10वीं 12वीं में टॉप करने वाले मजदूर के बच्चों को सीएम विष्णुदेव साय ने आज सम्मानित किया। देख सकते हैं ये तमाम वो बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं जिनको 2 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत इन बच्चों का सम्मान किया है और ये बच्चे काफ़ी यहाँ पर प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। बच्चों से ही बात करेंगे, सम्मान मिला है, टॉप आपने किया है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं सीएम सर को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हम सभी के बारे में ये सोचा। 2 लाख रुपए मिला है, क्या करेंगे अब इसका? मैं इसे आगे की पढ़ाई के लिए लगाना चाहूँगी। आगे की पढ़ाई के लिए ये पैसा, आप क्या करेंगी? मैं भी अपने आगे की पढ़ाई के लिए इसको यूज करूँगी। 2 लाख रुपए सीएम साहब ने दिया है, क्या कहना चाहेंगे? उनको दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हम सभी बच्चों के बारे में इतना सोचा जो हमारे माँ पापा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें सहायता दी और उसके लिए दिल से धन्यवाद। इसको हम आगे की पढ़ाई के लिए अवश्य यूज करेंगे। अच्छा, 2 लाख रुपए मिला है, कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए स्कूटी देने के लिए आप लोग को दिया गया है। हाँ लेंगे जरूर, से हम स्कूल जाएंगे, स्कूल जाने के लिए सहायता होगी हमारे लिए। आप लेंगे स्कूटी? हाँ जरूर लेंगे। ये वो तमाम मेधावी बच्चे हैं जिनको 2 लाख रुपए की सहायता जो है राज्य सरकार ने दी है और 1 लाख रुपए पढ़ाई के लिए और 1 लाख रुपए स्कूटी खरीदने के लिए दिए। तो बच्चों का भी ये कहना है कि स्कूटी खरीदेंगे और उस स्कूटी के माध्यम से स्कूल और आने वाले समय में जब कॉलेज जाएंगे तो उसका उपयोग करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं सीएम विष्णुदेव साय के सम्मान से इन बच्चों का हौसला बढ़ा है और आगे बढ़ने के लिए इनको एक बेहतर मौका भी मिला है। अभी तक हुए सभी जनदर्शन कार्यक्रमों को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। जनदर्शन के दौरान अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे लोगों ने समस्या निराकरण पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। जनदर्शन में सीएम साय ने कई समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत पहुंचाई। जनदर्शन के जरिए सीधे सीएम विष्णुदेव साय से मिलने पर आम जनता में खासा उत्साह देखा गया। इसके पहले रमन सिंह सरकार में जनदर्शन का कार्यक्रम होता था, वहीं अब साय सरकार में दोबारा इसके शुरुआत करने पर लोगों ने सीएम विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया। मैं भारतमाला परियोजना रायपुर विशाखापट्टनम जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें भू अर्जन में मेरी भूमि गई है, जिसमें मेरा खसरे का प्रकाशन होने के अवार्ड होने के पश्चात वाइटनर लगा के एसडीएम तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू द्वारा वाइटनर लगा कर मेरी भूमि का भुगतान मुझे ना करके किसी अन्य किसान को कर दिया गया है तथा साठ गांठ कर उस किसान के खाते से 2 दिनों के भीतर 1.5 करोड़ रुपये की नगद राशि निकाल के खाते से बंदरबांट कर ली गई है, जिसके लिए मैं 3 वर्षों से लगातार कलेक्टर महोदय, NHAI, EOW सब जगह शिकायत के लिए घूम चुका हूँ। आज पता लगा कि जनदर्शन का कार्यक्रम है तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आवेदन शिकायत दी है मैंने। अब टीचर नहीं है, साइंस टीचर शासकीय हाई स्कूल महोदय में एक भी नहीं है, वो साइंस को बंद करना पड़ेगा तो हमको टीचर की आवश्यकता है, 7 पद रिक्त है। हाँ वो बोले आवेदन को रखे हैं, विचार करेंगे और बोल के बोले हैं, अब देखिए क्या होता है। तो जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से निशक्त जनों ने भी मुलाकात की थी। निशक्त जनों ने अपनी परेशानी मुख्यमंत्री को बताई और सहायक उपकरण की मांग की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न केवल लोगों की समस्याओं और जरूरतों के बारे में सुना, जिस पर सीएम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दिव्यांग जनों को मौके पर ही व्हीलचेयर, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कृत्रिम पैर, बैटरी चलित साइकिल सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए। सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिल गए, उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। जनदर्शन के दौरान मौके पर ही मिली मदद से लोगों के मन में संतुष्टि का भाव है। स्वप्निल गौर खेड़ी, INS 24/7 रायपुर।
छत्तीसगढ़ की जनता की तकलीफ और परेशानी जानने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार लगातार जनदर्शन कार्यक्रम चला रही है। जनदर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लोगों की समस्याओं के मुताबिक मुख्यमंत्री साय संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हैं और मौके पर ही शिकायतों का निपटारा होने से जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंच रहे लोगों ने काफी ज्यादा संतुष्टि जाहिर की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार लोगों को जल्द से जल्द छोटी मोटी परेशानियों से निजात मिल सके इसके लिए प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री अपने निवास पर प्रदेश के कोने कोने से आने वाले लोगों की शिकायतों को सुनते हैं और यथाशीघ्र उसके समाधान के निर्देश देते हैं। अभी तक के सभी जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पहले ही से जनदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संवेदनशील पहल और त्वरित निर्णयों से लोगों के मन में एक नई आशा का संचार कर दिया है। प्रदेश के सभी कोने से लोग मुख्यमंत्री के जनदर्शन में जुटे। जनदर्शन को लेकर लोगों में इतनी उत्सुकता थी कि बड़ी तादाद में लोग कतार बनाकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। इसमें कुछ के मन में आशंका थी कि मुख्यमंत्री का शेड्यूल काफी व्यस्त होने की वजह से समय कहीं समाप्त हो जाए और मुख्यमंत्री जी न मिल पाए। ये आशंका निर्मूल साबित हुई। विष्णु के सुशासन का एहसास सभी आवेदकों को उस समय हुआ जब मुख्यमंत्री साय ने पूरे धैर्य के साथ लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। जब तक आखिरी आवेदक कतार में था, मुख्यमंत्री भी अपनी कुर्सी से हिले नहीं। पूरे समय तक तन्मयता से लोगों को सुनते रहे। जनदर्शन में बड़ी संख्या में भीड़ महिलाओं की थी। महतारी वंदन योजना की संवेदनशील पहल को साकार कर मुख्यमंत्री ने माताओं बहनों के जीवन में जो उजाला फैलाया, उससे इनके सपनों में पंख लग गए हैं। महिलाओं ने सीएम साय से इस योजना की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री जनदर्शन की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री न केवल लोगों के आवेदन पर कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं, अपितु पूरी संवेदनशीलता से उनकी तकलीफ भी सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री की ख्याति प्रदेश में इस बात को लेकर भी है कि केंद्र में राज्य मंत्री रहने के दौरान और अपने लंबे संसदीय जीवन में उन्होंने छत्तीसगढ़ के कई मरीजों का एम्स में इलाज करवाया। इस ख्याति को देखते हुए लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें लेकर भी पहुंचे और मुख्यमंत्री ने इसका समाधान किया। पूरे जनदर्शन के दौरान सबसे दिल छू लेने वाला पल वो रहा जब मुख्यमंत्री साय सीधे दिव्यांगजनों के पास पहुंचे। दिव्यांगजनों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इस बात का जनदर्शन में खास ध्यान रखा गया था। जिन दिव्यांगजनों की दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही थी, उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र उसी दिन बनाकर दे दिए गए। जनदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हर बार जनदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए अपने आग्रह अनुरोध उन्हें प्रत्यक्ष सौंपने के लिए प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने निवास परिसर में अपनी मां के नाम दहीमन के पौधे का रोपण भी किया। मुख्यमंत्री निवास में स्वास्थ्य परीक्षण भी लगाया गया था, जिसका नागरिकों ने लाभ उठाया। हर बार जनदर्शन में ऐसे लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहने आए थे जो पिछले जनदर्शन में आए थे, और उनके अनुरोधों का तत्काल निराकरण भी हो गया था। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी एक एक महिलाओं से, एक एक पुरुष से उनकी समस्याओं को सुन के उनका निराकरण कर रहे हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो उन्होंने वादा किया था पांच अभी चुनाव से पहले, महतारी वंदन योजना से लेके अन्य प्रकार के कई सारी योजनाएं, अभी तो उनके आरक्षण में नगर सुराज भी चल रहा है। यहाँ पे हमारी महापौर मैडम भी वार्ड के प्रमुख व्यक्तियों को फोन करके बुला रहे हैं। जहाँ जहाँ भी
पखवाड़ा शिविर लग रहा है निराकरण वार्ड वासियों के लिए, उनका बिल्कुल सुन के राशन कार्ड हो चाहे पट्टा का निराकरण हो, ऐसे बहुत सारे विषय हैं, उनको सुन के उनके पूरे समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। हम बहुत बहुत आभार करते हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। हथारी बंधन के तहत उन्होंने 1,000 रुपए जो हम महिलाओं को रक्षाबंधन के तहत दिया है, उसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्व सहायता समूह को ऋण जो दिया है अब 1 करोड़ का, इससे महिलाएं सक्षम होंगी और अपने आत्मनिर्भर होकर वो कार्य करेंगी। हमारे जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं तो आत्मनिर्भर होंगी, तो बहुत अच्छा योजनाएं बहुत अच्छा किए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम महिलाओं के लिए जो विश्वकर्मा भी योजना यूज किए हैं, उसमें भी जो भी महिलाएं हैं जो सिलाई कढ़ाई और कुछ कुछ काम कर हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सुझाव निकाले हैं इसके लिए, तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सीएम सर को भी धन्यवाद। हथारी वंदना जो योजना है ये हम सबके लिए बहुत अच्छा है, हमारी छोटी छोटी जरूरतें हैं वो हमारी इच्छा से हम लोग अब पूरा कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे घरेलू महिला हैं जो अपने लिए चाह कर भी बहुत कुछ खर्च नहीं कर सकती थी, लेकिन 1,000 जो हथारी वंदना आ रहा है ये योजना है, उसके लिए मैं सहृदय से विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सीएम सर को धन्यवाद कि हमको हर महीना 1,000 रुपया डाल रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी अभी लगातार लोगों को सतत संपर्क में हैं, और पूरे छत्तीसगढ़ में अगर कोई सबसे बड़ा अभियान है तो और सबसे बड़ी कुछ कोई कार्यक्रम है तो अभी मुख्यमंत्री जनदर्शन का कार्यक्रम है, जहां पर पूरे प्रदेश के लोग अपनी समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी जो जनदर्शन योजना जो चला रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है, इस बहुत ही कारगर है, इससे क्या है बहुत सारी समस्याओं का समाधान वो तुरंत वहीं पर बैठे बैठे लोगों का कर दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं के लिए जो कार्य किया जा रहा है बीजेपी द्वारा वो भी बहुत ही अच्छा है, इस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ने का काम दिया जा रहा है। नाम के साथ मेरा नाम नारायणी गोस्वामी है, और अभी जो सीएम साहब हर गुरुवार को महीने के हर गुरुवार को जो जनसंपर्क अभियान बनाए हुए हैं वो बहुत ही अच्छा है, उनके लिए मैं सीएम साहब का धन्यवाद देती हूँ। पहले तो जनदर्शन नहीं होता था, अब जनदर्शन लग रहा है तो पब्लिक की जो समस्या है जनता की जो समस्या है वो उसका सबका निराकरण हो रहा है, ये विष्णुदेव सरकार के बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये विष्णुदेव साय के तरफ से छत्तीसगढ़ शासन के तरफ से बहुत अच्छी योजनाएं हैं, जिसमें चौपाल नगर और जिले स्तर पे पूरे प्रकार की सही प्रकार की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड नालियों का साफ सफाई और विभिन्न प्रकार की जितनी समस्याएं हैं महतारी बंधन योजना जितनी भी सब समस्याएं हैं उन लोगों को इसका निराकरण किया जा रहा है, और ये शासन प्रशासन की बहुत अच्छी योजना है, इसका हमें समुचित लाभ मिल रहा है। साय सरकार के द्वारा वर्तमान में जिस प्रकार जन चौपाल लगाई जा रही है जो एक जन समस्या निवारण के लिए बहुत अच्छी बात है, पहल है, जो हम आम नागरिक सरकार तक नहीं पहुंच पाते थे, अधिकारी तक अपनी समस्या नहीं पहुंचा पाते थे, जिसे जन चौपाल के माध्यम से हम अपनी समस्या वहाँ पर बताते हैं और तत्काल में उसका निवारण होता है, और इसका ये बहुत अच्छा पहल है सरकार का। श्री विष्णुदेव साय के द्वारा जो जन शिविर लगाया जा रहा है उसका सभी लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है, हर जिले में शिविर लगाया जा रहा है हमारे में आया गया था जिसका बहुत लोगों को लाभ मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी पूरा शिविर में सबका साथ दे रहे हैं और सबका समस्या का निवारण कर रहे हैं, जो समस्या थी वो पहले के अपेक्षा कम हुई है। जनदर्शन में कई लोग शामिल हुए जो पिछले बार के जनदर्शन में भी आए थे, तब उनके आवेदनों का निराकरण मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल कर दिया गया था। इन लोगों ने त्वरित कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार प्रदेश में सुशासन की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है। सीएम जनदर्शन की इस दिशा में बड़ा कदम है। सीएम जनदर्शन कार्यक्रम में दूर दूर से लोग इस उद्देश्य से पहुंचते हैं कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान हो सके और लोगों को अपनी तकलीफों से छुटकारा भी मिलता है। किसी दिव्यांग हितग्राही को ट्राई साइकिल मिली तो किसी को उसके जमीन का हक, किसी को इलाज के लिए मिली मदद तो किसी को जल्द नौकरी का आश्वासन,
ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम से। सीएम हाउस में होने वाले इस कार्यक्रम से लोगों को न्याय मिल रहा है और शिकायतों पर जल्द सुनवाई भी हो रही है, जिससे हितग्राहियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। लोगों की आस और भरोसा इस बात से भी बढ़ जाता है कि सूबे का मुखिया खुद उनकी समस्याओं को सुनता है और तुरंत ही न्याय मिलता है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज। और इसके साथ ही साय के सेवा संकल्प में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ INH 24/7 के साथ। नमस्कार।